शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुबारक हो पायल, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपकी डिलीवरी को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ सिस्टर, अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। पूरा परिवार है ना अस्पताल में, उन्हें नहीं मिलना अपनी पोती से, उन्हें नहीं देखना। देखो पायल, जो कुछ भी हुआ ना उसके बाद कोई तुमसे मिलना नहीं चाहता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, जब वो अपनी बच्ची को एक बार देखेंगे ना तो वो अपनी पुरानी सारी कड़वाहट भूल जाएंगे। जाओ, खुशियां मनाओ, जो चाहते थे मिल गया है ना। आखिर हमें हरा ही दिया ना। कैसी हो पाया, जरा एक बार इस बच्ची को देखो, इसमें क्या हार और क्या जीत। अंत में तो बस यही मायने रखता है ना कि तुम सुरक्षित हो, बच्ची सुरक्षित है। पायल, तुमने हमें कई बार धोखा दिया, कई बार तुमने हम पर वार भी की, लेकिन लेकिन मुझे सिर्फ एक बात याद है कि तुम्हारी वजह से हमारा परिवार पूरा हुआ है पायल। और जिंदगी भर इस चीज के लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। पायल, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम सब दे देंगे, पैसे, गहने, तुम्हारी हर जिद मंजूर है हमें। इसे भी इस बच्ची के आगे सब कम है। ये तुम्हारे पैसे पाए, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। पायल, हम अपनी बच्ची से मिल सकते हैं क्या? ये सब क्या है? अरे पापा अपनी परियों के लिए तोहफा भी नहीं ला सकते क्या? दोनों के लिए एक जैसे। और ये क्या, मम्मी के लिए कुछ भी नहीं? मम्मी के लिए घर जाके। अच्छा सुनो, वरुण पायल और हमारी बच्ची को लेकर घर के लिए निकल गए हैं। वहां घर पे मम्मी जी तो बिल्कुल दरवाजे पे आरती की थाल लेकर खड़ी होंगी ना, अपनी बच्ची का स्वागत करने के लिए। मम्मी जी को तो
बच्ची को शहद चटाने वाली रस्म भी करनी है ना, तोहफों की तो बिल्कुल भरमार लगी होगी वहां पर। अबे तुम कहीं नहीं जा रहे हो, अरे जाने दो उस बच्चे को। भगवान करे तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाए शायद। हमारी कोई इच्छा नहीं उस पायल और उस बच्चे का स्वागत करने की। अरे हम तो बस अपनी बहू और अपनी पोती का धूमधाम से गृह प्रवेश करेंगे। हाँ, पायल से नाराजगी की सजा आप उस छोटी बच्ची को क्यों दे रही हैं? अरे कितनी देर वो दरवाजे पे आपका इंतजार करेंगी, चलिए ना। अरे नहीं भाभी, जिस औरत ने हमारी बहू पे इतने महीने हर दिन हमला किया हो उसका स्वागत घर पे नहीं जेल में होना चाहिए भाभी। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि दीदू को जब उनकी बच्ची पायल से मिल गई तो उस मुसीबत को इस घर में क्यों भेज दिया। हम बता रहे हैं वो लड़की खतरे से खाली नहीं है। अभय और श्रद्धा ने मिलकर ये फैसला किया है और तनुजा जी आपको स्वागत पायल का नहीं हमारी पोती का करना है। अरे श्रद्धा से हुई बच्ची हमारी पोती बस। अरे आप सब लोग यहाँ क्या बातें कर रहे हैं? वो पायल कब से बाहर खड़ी है, क्या उसे बाहर ही खड़े रखना है? तनुजा जी अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो भाई साहब और मैं हमारी पोती का स्वागत करने जा रहे हैं, समझी? रुको, ऐसे कैसे चली आ रही हो हमारे घर में? हमारी पोती की आड़ में इसे तुम अपना स्वागत मत समझना पायल, ये तो हमारी बिटिया रानी के लिए है। बाकी जो तुमने कांड किया है उसके बाद तो हम तुम्हारी शक्ल देखना ना पसंद करें। ओ ले 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 ले, हमारी गुड़िया रानी। लाओ हमें दो अपनी गुड़िया रानी। कितनी प्यारी है, ओ अपनी बुआ दादी पर गई हो। ओ ले 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 ले, ओ ले 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 ले। एक बात सुन लो, तुम्हें ना इस घर में दीदू के कारण झेल रहे हैं। घर के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया है। तुम्हारी एक घटिया हरकत होगी और तुम्हें इस घर से धक्के मार के जेल में फेंक कर आएंगे। और रही बात तुम्हारी माँ और भाई की रिहाई की, तो वो तब होगी जब श्रद्धा सही सलामत अस्पताल से वापस आ जाएगी। याद रहे 24 घंटे हमारी नजर ना तुम्हारे ऊपर है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।